तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। गुड मॉर्निंग, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज को वर्कआउट करके भाई पूरी टी शर्ट भी गिल्ली हो गई है। सो अब फटाफट नहाने जाता हूँ एंड उसके बाद नाश्ता वगैरह करता हूँ। नाश्ता वगैरह बना रहे थे क्योंकि आज जल्दी उठ गया था बहुत पहले ही। तो फिर देखो पूरा टी शर्ट पूरी गिल्ली हो रही है। तो भाई थोड़ी देर में मिलते हैं, फटाफट नाश्ता नहाने चलता हूँ एंड उसके बाद नाश्ता करता हूँ एंड फिर मिलते हैं आपसे। और हाँ, कटिंग बताओ कैसी लग रही है। छोटे से बाल आगे के लिए यहाँ साइड से लो फेड है एंड आगे सारे बाल आगे के लिए हैं, छोटे छोटे बाल। कैसे लग रहे हैं? अच्छी लग रही है। कोई ना, क्योंकि इस बार इसलिए कटिंग करवाई क्योंकि एक महीने चैलेंज था, तो उस वजह से बालों को बहुत प्रोटीन चाहिए होता है। बट मैंने थोड़ा बॉडी को देना है तो इस वजह से मैं बाल छोटे करवा लिए और ताकि ज़्यादा बेकार भी ना लगे और बस एक महीने की बात, उसके बाद थोड़ा सही कर लेंगे। तो भाई रेडी हो गया हूँ और अभी थोड़ी देर में हम निकलते हैं घर से। और एक रोटी बनाई थी मतलब कुत्ते के लिए, तो चलते हैं। छोटे छोटे डॉग्स जो है वहाँ पे हैं तो वहाँ चलते हैं। फटाफट उनको देते हैं, अगर मिलते हैं नहीं मिलते तो किसी और को दे देंगे। तो मैं फटाफट घर से निकलता हूँ बाहर, आपको मिलता जुलता बाहर। तो भाई मैं घर से निकल गया हूँ फटाफट एंड वहाँ से घर के, तो बाल तो छोटे छोटे से हैं अभी। फिलहाल जाना है मेरे को लोगों से बात, फटाफट वहाँ चलता हूँ या कोई रास्ते मिलेगा तो उसके बाद जाना। विकास करवा रहे हैं, जो भी काम होगा आज का देखते हैं, जहाँ भी जाना होगा फटाफट से निकलते हैं। तो भाई वो तो यहाँ पे है नहीं, वो लोग वो डॉग्स, तो तब चलते हैं आगे क्योंकि वो तो यहाँ पे है नहीं। तो आगे जो भी मिलेगा उसको दे देंगे एंड उसके बाद निकलेंगे अपने काम के लिए। काम करना देखते, कोई मिलता है रास्ते में तो उसको दे देंगे, नहीं तो फिर शाम को देखते आते हैं उनको दे देंगे। गुली दूल दूल मिट्टी है, देखो कहाँ से उठ के कहाँ पहुँच गए। डब्बा गए तो देखो, और बोर्ड भी नहीं चेक रिया, पूरा काला ही काला रखा भाई इधर भी। तो पता नहीं कितने दिनों के बाद बारिश देखने को मिली आज, कसम से भाई अभी बारिश हो रही है। एंड अभी मेरे को थोड़ा सा काम था इसलिए यहाँ आया था, तो बाहर ही हूँ अभी, मार्केट में ही हूँ एंड अभी बारिश रुकने का वेट करते हैं तभी जाएंगे यहाँ से। तो भाई अभी बारिश रुक गई, जस्ट अभी 15-20 मिनट हुए हैं, थोड़ी सी धूप आई तो हम चलते हैं फटाफट से। अभी कुछ ऐसा लग रहा है बारिश होने के बाद, पहले चलता पेट्रोल पेट्रोल तेल डलवाना है एंड उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं सपना के घर उसको लेने, क्योंकि मैं और वो जाने वाले हैं। बस गाइस ये देखिए, यहाँ पे पेड़ टूट गया भाई साहब, बहुत आज बहुत ज़्यादा यहाँ पे आंधी तूफान आया भाई। तो भाई जब हम बैराज जा रहे थे, बैराज से जा रहे थे उधर वाले साइड, तो आगे जाकर देखा भाई वहाँ पे पूरी ग्रिल टूटी पड़ी है। ये देखो हवा की वजह से इतनी तेज आंधी तूफान आया आज, इतना ज़्यादा कुछ टूटा यहाँ पे देखो उधर तक, तो पूरा जेसीबी वगैरह लगी हुई थी और हम लोग भी वेट करे थोड़ा सा, बट फिर सोचा कि क्यों ना वापस मुड़ जाए यहाँ से और दूसरे वाले साइड चलते हैं। आप सभी लोग देख ही सकते होंगे कि यहाँ पे ये टूट गया, इतनी तेज हवाएं चली यहाँ पे और देखो क्या हाल हो चुका है यहाँ पे। वो देखो लोग आ चुके हैं, डाक पत्थर अभी दिखाता हूँ, ये लोग हैं साथ में। हेलो हेलो तो भाई इनका शूट चल रहा है अभी, तो मुझे थोड़ी पता होगा, तुम्हें पता होगा ना कैसे लेनी है। गाइस इनका शूट चल रहा है, ये भैया इनकी फोटोज ले रहे हैं, ये बोल रहे हैं स्माइल स्माइल का स्माइल। इनका तो फोटो शूट करा खत्म ही नहीं होता, ये करते हैं जरा। तो भाई हम लोग आए थे यहीं पे, जस्ट ज़्यादा दूर नहीं गए क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश का मौसम उधर वाली साइड जा रहे थे वहाँ जाना था बट बारिश हो गई तो यहीं आए हैं। ये भी आई साथ में सपना और उसकी बहन है भावना, मौसम ख़राब है इसलिए ज़्यादा
भी नहीं बना पाया जगह पर, क्योंकि जा भी नहीं पाया भाई। अभी तो यहीं पे आए थे, शूट वगैरह कर नीचे देखो, तो अभी यहाँ पे आए थे तो पानी तेरा पहुँचते क्या? ये है तो अब वहाँ जाना है पानी के पास, वहाँ शूट करना है। इधर को आना, तो अभी इनका शूट चल रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। बहुत सुंदर लगी, जल्दी अगर पानी आ गया ना ऊपर से जाएंगे नीचे। तो भाई ये है जो, ये जो नदी है ये है, इधर से आते हैं दिन, ये नहर से ऊपर से आता पानी, वहाँ से ऊपर से तो यहाँ पर आया था शूट करने, क्योंकि बारिश की वजह से तो इस वजह से यहीं पे आए। ये है कुछ लोकेशन यहाँ पे, ये दोनों वीडियो वगैरह बना रहे हैं, फोटो वगैरह कर रहे हैं, और इधर से पानी पानी आ रहा है, ये ऊपर से आता वहाँ से, उधर से उन पेड़ों के बीच से, उधर से मतलब उधर साइड से आता है पानी। तो अब चलते हैं घर, और आज का ब्लॉगिंग इतना था क्योंकि भैया बोरी बारिश, अब नहीं करेंगे शूट, और आंधी आ रहा था। हाँ कोको खिलाना था उसके लिए, कितना तगड़ा खाना नहीं। कोको मतलब कुत्ता? कुत्ता नहीं, कुत्ता थोड़ी खाता है खास। अच्छा गाय है, बछड़ा? बछड़ा थोड़ी पालूंगी मैं, खरगोश है? हाँ। खरगोश पालते आप? ये देखिए वहाँ पुलिस वाले, आज फिर भी फिर पकड़ेंगे आज, फिर काटेंगे चलन। हाँ और इधर से जाएंगे हरी पुरुत, ठीक है जा फिर बदल चलन काटेंगे ना जब। तो यहाँ पे पुलिस वाले फिर शाम को तीसरी बार आज यही पकड़ते हैं। तो भाई जिसके पास हेलमेट उसको पकड़ रहे हैं, जिनके पास हेलमेट नहीं है उनको नहीं पकड़ रहे हैं। और देखना हमारे पीछे भी बहुत से लोग हैं और आगे भी, देखते हैं भाई। तो भाई अब करना पड़ेगा बारिश रुकने का वेट, तब तक तो जा नहीं सकते, नहीं पकड़ेगा वो, डेली पकड़ते भाई यहाँ पे, देखते उसको क्या करते, पकड़ते नहीं पकड़ते, गया तो गया। ये देख लो, ये देखो भाई वापस मुड़ गया है, फिर स्कैम हो गया आज मेरे साथ। मेरा तो तेरा था पिछली बार ही पाया, मेरा दो बार और रखा, दो बार में ही वापस मुड़ा, तीसरी बार वहाँ उस टाइम दिमाग चला लिया, सॉरी ऐसे स्कैम होते नहीं भाई मेरे को, तो अभी तो यहीं पकड़ रहा है, ऐसे स्कैम होते रहेंगे, ये खुद तो ऐसी जगह आता है, ये हमें भी लेके आता, हमें फंसा देता अपने साथ, मतलब ले जा रहा था वहाँ, जाते अभी तक वहाँ घूम फिर के आते। हाँ कोई ना, अब तो बारिश होने का वेट करते हैं, इनके जाने का वेट करते हैं भाई, कभी कभी प्रॉब्लम से मूवी मोड़ लेना चाहिए। हमने पुलिस वालों के साथ स्कैम कर दिया, हमने प्रॉब्लम को पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए, अब भीगे के वो बात अलग है, बट घर तो जाना था। गाड़ी मेरे को बहुत तगड़ी लगती है यार, गाड़ी क्या मॉडिफाई करूँ वहाँ भाई, थोड़ा साइड में यार, तो भाई इधर का व्यू कितना मस्त लग रहा, देख लो भाई। तो आई होप आप सभी के ब्लॉग भी अच्छा लगा, बट ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, नॉर्मली है, मतलब जहाँ पे नुकसान वगैरह हुआ आज बहुत ज़्यादा आंधी की वजह से, तो और बारिश भी तो इस वजह से दूर नहीं जा पाए, उसके बाद आगे ब्लॉग खत्म करेंगे, रात को देखते हैं क्योंकि बारिश तो होगी तो
तो अभी ब्लॉग खत्म कर देंगे, बारिश होगी तो जाना पड़ेगा स्कूटी लेके, तो बारिश शूट नहीं कर पाऊँगा तो आप लोगों को।